बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी विभागों के मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभागों में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में भी जल्द ही परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस बात की पुष्टि खुद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पिछले 5 सालों से एक ही जगह अड्डा जमाए अफसरों का तबादला करने जा रही है। इसको लेकर तत्काल मंत्री स्टेल को यह जानकारी देने को कहा गया है कि कहां कहां कौन कौन से अफसर पिछले 5 सालों से एक ही जगह टिके हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अंदर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अगले 2 से 3 महीने में शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह नियुक्ति पूरी तरह साफ सुथरे सिस्टम से कराया जाएगा। विभाग के तरफ से शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्न प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की भांति ही होगी। शिक्षकों की ये नियुक्तियां विशेष वेतन पर करने पर विचार भी किया जा रहा है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।